ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ऐसा लगता है कि बदमाश बेखौफ हो गए हैं, उनको पुलिस का कोई खौफ ही नहीं रह गया है। आपको बता दें कि दो ऐसी घटनाएं हुई हैं लूट की, एक ग्रेटर नोएडा की है और एक बरेली की है, जहां पर लूट की वारदात को बड़े तरीके से अंजाम दिया गया। इस लड़की को जरा गौर से देखिए, पुलिस की गिरफ्त में मुंह बांध कर खड़ी ये लड़की बड़े ही शातिर लुटेरे गिरोह की सदस्य है। फिल्मी स्टाइल में अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर ये लुटेरी लेडी कैब में सवारियों को बिठाने के बाद उनके साथ लूटपाट किया करते हैं। पहले ये सवारियों को अपनी कैब में बिठाते थे, फिर किसी सुनसान जगह पहुंचकर उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। इनके साथी पहले से ही कैब में मौजूद रहा करते थे, जिसमें से एक महिला होती थी, ताकि महिलाएं जब कैब में बैठे तो उन्हें कोई शक ना हो। पुलिस ने इस दौरान तीन लुटेरों के अलावा इनके साथ लूट में शामिल एक लड़की को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। दूसरा मामला है बरेली का, जहां बरेली पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस कार में लिफ्ट देने के बहाने यात्रियों को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर छह अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए सभी आरोपी शातिर बदमाश हैं। इनके पास से अवैध तमंचे, तीन लग्जरी कारें और नकदी बरामद हुई है। लंबे समय से इन अपराधियों ने घटनाओं से पुलिस की नींद हराम कर दी थी। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर अब राहत की सांस ली है। ग्रेटर नोएडा से प्रवीण भारद्वाज और बरेली से अंकुर चौधरी की रिपोर्ट। तो न्यूज रूम लाइव में मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नेशन वन के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।